हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ सलाम। और आज गाइस मंडे, अभी दिन के 1 बार होने वाले हैं, 10 मिनट आएंगे 1 बार में। और मैच सुबह उठ गया था 9 बजे, कल रात को पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान हार गया। हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, होतला इंडिया के साथ था और होतला की टीम कल जीत गई। सो ये तो चलता रहेगा, अभी ये सीन है। हाँ, फिर मैं कल सो गया था रात को 2 बजे ना, 2 बजे जब मेरी आम लगी तो उसके बाद नमाज भी रह गई फजर की। सुबह मैं गाइस 9 बजे जा गया था, और 9 बजे जागने के बाद अभी अभी तक मैंने ब्लॉग एडिट किया है, और जो भी ब्लॉग आपने देखा ना लास्ट ब्लॉग, और वालेकुम सलाम गाइस, तला भी आ चुके हैं। और जो पिछला ब्लॉग आपने देखा था ना, उसमें हमने परिंदों को दाने डाले थे ना, और जो दाने रह गए थे, मतलब जो मैंने दाने सेपरेट किए जो गंदे थे, मैंने कहा था कि इन दानों को ना हम फैला देंगे सुबह उठ के ना फैला देंगे। उसमें क्या हो गया, जो आप देख रहे हो ना बीच में वेस्ट, जो चिड़िया खाना खाती है ना, वो गंद बीच में कर देती हैं, जिस तरह करता है तो मतलब वेस्ट होता है ना, वो कर देती हैं, तो उसको हम ना सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट करेंगे, ऐसे क्या होगा, वो लद हो जाएगा और दाने लद हो जाएंगे, और जब धूप लगेगी ना तो उसमें सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो तला से करो, वो भी ले आओ, ये दाने निशापुर में पड़े, वो भी ले आओ और ये भी ले आते हैं, और देखते हैं ना अभी कि कितने दाने पड़े होंगे। अगर जितने दाने कम हुए ना वो डाल देंगे और ये नीचे फैला देंगे। और ये देखो गाइस, अभी अगर आपको फ्रंट कैमरे से नजर आ रहा है तो ये देखो, वही परिंदे आए हैं दाना खा रहे। और इसमें देखो, ये देखा ना आपने, ये आपने देखा, ये कम कर ला, ये आपने देखा ना, ये गंद हुआ है, ये खाना खा के ना, और ये इधर बीच में ना, और ये सब ये तो गाइस यार कम कर ला। ये देखो आपको नजर आ रहे ना, ये भी दोबारा से साफ कर देंगे। और इसमें भी देखा आपने, कल हमने बिल्कुल सफाई की थी ना, सो भी हम इसको नीचे फैलाते हैं। 1 hour later। सो भी गैस एक होने वाला है, और अभी मैं नाश्ता करके ऊपर आ चुका हूँ, तला मैंने दोनों ने कैसे नाश्ता किया है, भाई ने भाभी ने। और अभी ये सीन था कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ना, तो मेरा मोबाइल हीटअप हो गया था, तो मैंने कहा कि इतनी देर में मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा। सो भी हम चलते हैं भाई, और जो दाने मैंने अंदर रख लिए थे अभी दाने डालते हैं, और जो पानी गंदा है ना उसको हम वहाँ पे ना साफ करके गिरा के, ठीक है, और उसमें हम ताज़ा पानी डालेंगे। ये ट्रेन बिल्कुल फुल फुल है ना, तो अभी मजीद पानी डालने डालने की जरूरत नहीं है। और अभी ऐसे करते हैं, ये जो पानी गंदे हैं ना इसको हम नीचे गिराते हैं। अभी देखना काफी गर्म होगी, तो अभी मुझे इसे ताज़ा तलेंगे यहाँ से। तो ये हमने रख दिए गैस दाने इधर, और अभी पानी भी ठंडा है, ठीक है, और दाने वगैरह डाल दिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, अभी नहा धो के फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे आज ICP इंस्टीट्यूट है, जो कि है मरी रोड पे, वहाँ जाके मैंने एक कोर्स करना है, और क्या कोर्स करना है वो मैं आपको जाके वहाँ जाके बताऊँगा, और थोड़ा सा अंदर से आपको व्यू भी दिखाऊँगा। सो कोर्स की क्या टाइमिंग्स होंगी और कितने ड्यूरेशन का कोर्स होगा वो सब मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। सो अभी गाइस मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, और ये जो बियर्ड बड़ी थी ना ये मैंने सेट कर लिया, और अभी हम निकलने लगे, अभी 2 हो रहे हैं दिन के, हमने 3 बजे तक पहुँचना है, 3 बजे तक पहुँचना है, और आज जस्ट एडमिशन कराऊंगा, और एडमिशन करा के फिर देखूंगा, शायद आज से स्टार्ट करूँगा क्लासेस, और शायद फिर कल से। 1 hour later। सो गाइस हमने कार पार्क कर दी है, और ये इस नीचे मेडिकल बिल्डिंग है, और ऊपर इंस्टीट्यूट है आपको नज़र आ रहा है ICP। सो अभी हम स्टेज जाते हैं ऊपर, और वहाँ जाके भी एडमिशन कराते हैं। सो ये गाइस ICP इंस्टीट्यूट, अभी हम चलते हैं अंदर एडमिशन के लिए, और अभी एडमिशन करा लिए, और मेरी जो क्लास स्टार्ट होंगी ना वो 24 से, आफ्टर ईद 24 जून से। और ये मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, ये मैं कोर्स कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और टाइमिंग्स जो होंगी वो सिर्फ 1 आवर होगा। मैं कार सेंटर जॉब करता हूँ ना,
पोस्ट में वो मुझे एक बजे छुट्टी होती है ना, मैं एक्सटेंड करके मतलब ओवर टाइम करता हूँ, 5 मिनट तक काम करता हूँ, फिर नमाज पढ़ के सो रहता हूँ। तो अभी मैं ऐसे क्या करूँगा, जब मैं नमाज पढ़ के सोऊंगा ना, फिर उठ के मैं आया करूँगा यहाँ पे, मेरी क्लासेज जो स्टार्ट होंगी ना वो एक घंटा होगी जस्ट क्लास, और वो होगी 4 to 5, या 3 to 4 होगी या 4 to 5। सो वो देखते हैं अभी जो बैच आएगा, नया बैच जिसमें मैं होगी, मैं भी होगा, उसके सेम उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट होगा। मेरे ख्याल से 4 से 5 में मेरा टाइम होगा। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, साथ साथ पोस्ट भी होगा, साथ साथ नाइट जॉब भी होगी, साथ साथ ब्लॉगिंग भी होगी, और ये 3 चीज़ें एक टाइम पे ना मैं मैनेज करूँगा। और गाइस इसकी जो ड्यूरेशन है ना टोटल कोर्स की, वो टोटल 3 मंथ्स है, यानी मेरा जो कोर्स स्टार्ट होगा 24 जून से स्टार्ट होगा, और ये तकरीबन एंड होगा 24 सितंबर तक, और मुझे 10 अक्टूबर तक ना इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो अभी हम गाइस आ चुके हैं राजा बाजार, और ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है। सो अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ, गाड़ी में पार्क कर दी है, और हमारे आने का मकसद ये था कि हमने कोई चीज़ देनी नहीं है यहाँ से, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी थी, अब की दोस्त हैं वहाँ पे और उनसे मुलाकात भी करनी थी। सुबह गए शाम के 6:15 हो रहे और अभी हम पहुंच गए सदर, और अभी यहाँ पे जूसर लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल पीछे ना पहुँच रहा हूँ सर। ये सदर का सबसे बड़ा प्लाजा है, बहुत पुराना प्लाजा है, और बिल्कुल आगे रिजवान अकेडे जहाँ पर मैंने नाश्ता किया था तलक साहब, ये पिछले हफ्ते आया था, क्वेटा होटल है, एक क्वेटा होटल उधर है, एक इधर सामने और एक इस साइड में पीछे, और यहाँ मैं जॉब कर रहा था, और इस साइड में मेरा ऑफिस था। सो गाइस रावलपिंडी का बहुत मशहूर है शक्कर कोला, अभी यहाँ से लेते हैं हम 3 ग्लास। सो अभी गाइस रात के टाइम है, और अभी घर पहुँच गया हूँ, और अभी मैं काम स्टार्ट करने लगा हूँ। सो मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आया जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।